बहुत कुछ ऐसा देखा कश्मीर में जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला साल जो है वो किस तरह का होगा। लेकिन उससे पहले कि मैं ये बताऊं कि हमने क्या क्या देखा पिछले साल में और हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, मैं आपके दर्शकों को ये याद दिलाना चाहती हूं कि जितने भी डूम्स डे की प्रेडिक्शंस थी और जितने भी सिनिक्स थे, स्केप्टिक्स थे, जिन्होंने ये कहा था 2019 में जब 370 हटाया गया और 35 से हटाया गया, उन्होंने ये कहा था कि खून की नदियां बहेंगी कश्मीर में, वहां भारत का झंडा उठाने वाले कोई बचेंगे नहीं, हमारे खुद के कुछ ऐसे नेता थे कश्मीर में, वो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, और उनके ही जैसे मैं कहूंगी मौका परस्त लोग, और जिन्होंने कश्मीर के साथ खिलवाड़ करके जिन्होंने अपनी एम्पायर्स बनाए, जिन्होंने अपने घर भरे और जिन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित रखा और जिन्होंने अपने बच्चों के करियर्स बनाए, उन सब की जितनी भी भविष्यवाणियां थी वो सब गलत करार दी गई पिछले 4 सालों में, 5 सालों में। और ये उसका कारण ये है कि सबसे बड़ी बात कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसकी तस्वीरें आप अभी दिखा रही थी, उनकी जो कश्मीर पॉलिसी है वो भारत के इतिहास में पहला एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने जो कन्वेंशनल नैरेटिव था, जो कन्वेंशनल थिंकिंग थी कश्मीर पे, उसको बिल्कुल उसके विपरीत चले और उन्होंने ऐसा चैलेंज दिया सारे सिस्टम को, सारे दुनिया को। वो पाकिस्तान की आर्मी रावलपिंडी में जो बैठी है, जिन्होंने खून खराबा किया पिछले 75 साल में कश्मीर में और जम्मू में, उनको चैलेंज करके उन्होंने जो नीति अपनाई और 370 हटवाया और 35 से हटवाया, तो ये वही दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आपके रन ऑफ द मिल प्राइम मिनिस्टर या लीडर नहीं है, वो एक विजनरी है। और उन्होंने जिस तरह की कल्पना हमने तो की भी नहीं थी, कल्पना से बाहर उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया कि आज कश्मीर में 2019 से लेकर अभी तक हमने भारत का झंडा हर जगह देखा, हमने भारत के बच्चे झंडा उठाते हुए कश्मीर की सड़कों पे, कश्मीर की वादियों में हमने बच्चे उस झंडे को इज्जत देते हुए, प्यार देते हुए उसके लिए खड़े हुए। और यही जो है हम मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उम्मीद का कारण यही है कि कश्मीर की जो आवाम है, कश्मीर के जो लोग हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि सारा का सारा कश्मीर जो है आतंकवादियों के लिए उनके मन में सिंपथीज है, या जिनके जो ये मानते थे कि कश्मीर में जिहाद होगा और कश्मीर में गजवाए हिंद होगा और ये मानते थे कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, वो सब जो है रद्द हुआ, वो सब जो है आज की डेट में झूठ निकला। और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि 2023 तक जो हमने पिछले 4 साल हमने देखा कि कश्मीर में जो एक नई लहर, जो उम्मीद हमने देखी, जो हमने प्रोग्रेस देखी, कि आज हमने नए साल की 2023 जब की जो लास्ट डे था 31 दिसंबर पे, हमने देखा कि लाल चौक श्रीनगर में नौजवान लोग जो है वो 31 दिसंबर सेलिब्रेट कर रहे थे, वो 2024 का आगमन कर रहे थे, वो नए साल को वेलकम कर रहे थे। तो वो उम्मीद दिखाता है कि कश्मीर के जो वासी है, कश्मीर के जो लोग हैं, वो उन्होंने वो सब सच करके दिखाया जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी और जो उनका विजन था।
और उसी विजन से मैं आपको आपके चैनल पे ये बताना चाहती हूँ कि अगले 5 साल जो 2024 इलेक्शंस के बाद के 5 साल आप देखेंगे कि कश्मीर जो है वो आपको बिल्कुल एक नया कश्मीर दिखेगा, जो ऑलरेडी जिसकी फाउंडेशन ऑलरेडी पिछले 4-5 साल में पड़ी है, आपको एक अलग कश्मीर दिखाई देगा। जो कश्मीर पाकिस्तान आर्मी ने बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश में इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, वो आपको अगले 5 साल में दिखाई देगा कि वो कश्मीर असल में है क्या। वो भारत की संस्कृति का फाउंडेशन है, वो भारत की का इतिहास, भारत की संस्कृति की का फाउंटेन हेड, सिविलाइजेशनल फाउंटेन हेड जिसको हम मानते हैं। हमारे साइंसेस में, हमारे आर्ट्स में, हमारे ड्रामा में, हमारे हर किसी फील्ड में जो कश्मीर का एंशिएंट और मिडीवल कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे भारत की के कल्चर में, वो आपको दिखाई पड़ेगा। और ये भी मैं आपको साथ साथ बताना चाहूंगी कि अभी पिछले साल हमने टूरिज्म कश्मीर में देखा कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए, और मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले सालों में भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट आएंगे कश्मीर। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एक जो इशू है कश्मीरी हिंदुओं का, जो पाकिस्तान आर्मी के आतंक की वजह से हम लोगों का नरसंहार हुआ और हम लोगों को जो हम लोगों ने 75 साल सहा, पाकिस्तान की जो मानसिकता रखने वाले थे, उनका बढ़ावा करने वाले जो लोग थे, और जो टेरर नेटवर्क पाकिस्तान आर्मी ने क्रिएट किया था उसकी वजह से जो हमारा नरसंहार हुआ, मुझे पूरी उम्मीद है आप उसका रिवर्सल भी अगले 5 साल देखेंगे। इस पिछले 5 साल में वो प्रश्न जो है वो सुलझा नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 5 साल में आप वो देखेंगे कि वो फुलफिल होगा। कश्मीरी हिंदू समाज जो पाकिस्तान आर्मी ने इस्लामिक जिहाद को इस्तेमाल करके हम लोगों को बेघर किया और हम लोगों को खत्म करने की पूरी जो साजिश थी, मुझे लगता है कि भारत एक बार फिर से वो कोशिश को पूरी तरह से नाकाम करेगा और डिफीट करेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ पहली बार 1989 में ऐसा अत्याचार या नरसंहार नहीं हुआ। उससे पहले भी कई बार कई कोशिशें हुई, लगभग 7 एग्जोडसेस हुए हैं, और हर बार कश्मीरी हिंदू जो है वापस अपने पूर्वजों की जमीन पे जाता है, अपने पूर्वजों की जो संस्कृति है उसको बरकरार रखता है, और वो भारत की संस्कृति को बचाने वाला, आगे बढ़ाने वाला जो रीजन है कश्मीर, वो उसकी पूरी सेवा भी करेगा और उसको बचाएगा भी, और जितनी भी कोशिशें पाकिस्तान आर्मी ने की थी वो नाकाम होंगी। मगर एक चीज मैं यहाँ जरूर ऐड करूंगी, वो ये कि ठीक है पाकिस्तान आर्मी को आप कह सकती हैं, पाकिस्तान को भी आप कह सकती हैं कि हमेशा से कश्मीर कश्मीर करते रहे, लेकिन जब तक अंदर जो लोग बैठे हैं, जो कश्मीर में लोग मौजूद हैं, जब तक वो साथ ना दें तो कोई बाहर वाला घर का नुकसान नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट आई बिलीव, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये कि जब तक अंदर से कुछ इस किस्म के लोग ना हो जो उस चीज के लिए तैयार हो, तो कोई बाहर वाला कर नहीं सकता, कुछ भी आपके घर को या किसी भी जगह को कुछ हो नहीं सकता। लेकिन एक चीज और उसके अलावा अगर हम मोदी जी की बात करें तो वो भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब जो नेक्स्ट ईयर ये शुरू हुआ नया साल, क्योंकि पिछले साल में कई चीजें ऐसी हुई जिसमें कतर का एक वाकया था जिसमें आप जानती है कि नेवी के लोगों को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, फिर मणिपुर का वाकया हुआ और कई ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से ये कहा जाने लगा तौर पे अपोजिशन की तरफ से, इंडियन अपोजिशन की तरफ से, कि मोदी जी की गवर्नमेंट जो है बड़ी कमजोर हो गई है और नेक्स्ट इलेक्शन में जीत तो जाएंगे लेकिन फिर भी वो बात नहीं रहेगी। क्या वाकई ऐसा है? आरजू, पहले तो आपकी बात सही है,
घर के अंदर जब बेदी होगा तो वही लंका डोएगा। हमारे यहाँ ये पुरानी कहावत है कि बिल्कुल ऐसे लोग थे, चंद लोग थे। मैं मानती हूँ कि इसमें फारूक अब्दुल्ला, इसमें मुफ्तीज, इसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग, और इसमें एक तबका था, और मैं मानती हूँ कि वो एक पावरफुल तबका था जिसकी वजह से कश्मीर इतना तबाह हुआ, कश्मीर के लोग तबाह हुए, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कश्मीरी मुसलमान कई मारे गए। लेकिन आप बड़ी पिक्चर देखिए, बड़ी पिक्चर ये है कि आप सोचिए कि 70 लाख कश्मीरी, उनमें से कितने लोग आतंकी निकले, उसमें से कितने लोग जो है इसको लगातार इसका समर्थन करते रहे आतंकवाद का, और लगातार पाकिस्तान के नारे लगाते रहे। तो आपको रेशियो बिल्कुल सामने समझ आएगा कि एक माइनॉरिटी सेक्शन, और बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं। अगर आप सिर्फ 100 लोग हैं तो 100 लोग काफी होते हैं तबाही मचाने की मचाने के लिए, 100 लोग काफी होते हैं पूरे एक समुदाय को खत्म करने के लिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं ये भी मानती हूं कि उसमें ये जो उसमें भारत सरकार की खुद की ये गलती थी कि इन लोगों पे विश्वास किया जो विश्वास करने लायक नहीं थे, विश्वासघाती लोगों के साथ को भारत सरकार ने पावर दिया था। मुझे लगता है कि वो जो सारा सिस्टम जिसमें जिसमें कि ये सब जायज था कि कश्मीरी मुस्लिम सेपरेटिज्म को इतनी बड़ी जगह दी थी, जिन्होंने 370 लागू किया, जिन्होंने 35A लागू किया, जिन्होंने शेख अब्दुल्ला जिसने देशद्रोह किया था उसको वापस पावर में लाए, जो फारूक अब्दुल्ला की सॉफ्ट सेपरेटिज्म है उसको टॉलरेट किया, जो महबूबा मुफ्ती की सॉफ्ट सेपरेटिज्म है उसको टॉलरेट किया। आम जनता जो है, आप मेजॉरिटी को अगर आप देखें, आज आप देखेंगे कि मेजॉरिटी के कई सारे सिर्फ कश्मीरी हिंदू नहीं, कश्मीरी मुस्लिम भी आप देखेंगे भारत के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। आप ये भी देखेंगे कि कितने सारे लोगों ने अपने बच्चे नजदीक में के जो कंट्रीज है वहां पढ़ने के लिए भेजे, क्योंकि लोग जो है मेजॉरिटी जो है वो आतंक में, वो वायलेंस में यकीन नहीं रखती थी, वो पाकिस्तान में यकीन नहीं रखती थी। उसका उदाहरण, उसका कारण ये है कि पाकिस्तान ने देखिए 1947 में वॉर किया, कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं खड़ी हुई। पाकिस्तान ने 1965 में वॉर किया, कश्मीरी मुस्लिम जो लोग थे वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हुए। 1971 में कश्मीरी मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं खड़े हुए। 99 में भी कश्मीरी मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं खड़े हुए। कोई बड़ी बात नहीं है कि सारा का सारा कश्मीर निकल आता पाकिस्तान आर्मी के लिए रोने के लिए कि हमें पाकिस्तान जाना है, वैसा कुछ हुआ नहीं। ये मेरा मानना है कि जो एलीट क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, उन्होंने तबाही की कश्मीर में, और ये मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत ही गरीब और मैं कहूँगी जो जहादी मानसिकता वाले लोग थे उनका इस्तेमाल किया, और उसकी वजह से जो तबाही मचाई और उससे जो नैरेटिव बनाया उससे भारत को बहुत नुकसान पहुंचा, उससे कश्मीर को बहुत नुकसान पहुंचा। ये तो रही बात घर के ट्रेटर्स की जिन्होंने ट्रीजन किया। फिर बात रही कि प्राइम मिनिस्टर का, जो आप कह रही हैं कि उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, आप भारत के गांव-गांव में जाके देखिए, आप भारत के जो लोग आम जनता है आप उनसे पूछिए, जो पिछले अभी हिंदी हार्टलैंड में आपने जो इलेक्शंस का रिजल्ट देखा, वो छत्तीसगढ़ हो, वो मध्य प्रदेश हो, वो राजस्थान हो, वहां पे जो लहर हमने देखी, प्राइम मिनिस्टर ने जब कैंपेनिंग शुरू की और उसके बाद लोगों का जो एकदम जो निराशा भी थी कहीं कहीं, ऐसा नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सरकार, बहुत सारी खामियां रह जाती है और बहुत सारी सरकार सारे वादे नहीं पूरी कर पाती है, लेकिन
उसके बावजूद मैं ये मानती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का कनेक्शन है गरीब जनता के साथ, उसका उदाहरण आज की डेट में भारत की राजनीति में नहीं है और कोई नहीं है जो उनको मैच कर सकता है। दूसरा ये कि उनके जो पिक्चर्स आप देख रही है लक्षद्वीप के, यहाँ आपको याद हुआ कुछ साल पहले उन्होंने जिम कॉर्बेट से फोटोज जो उनकी निकली थी कि वो वाइल्ड लाइफ के साथ मैं कि जाके बीच में उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है जितने ही वो लोकप्रिय है, जहां पे लोगों के साथ कनेक्शन की बात आती है तो वो वन टू वन कनेक्शन है उनका लोगों के साथ ग्राउंड पर। यहाँ रिसेंटली उन्होंने विकसित भारत में हजारों लोगों के साथ उन्होंने वेबिनार में वो कनेक्ट हुए। वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह करते या उनसे पहले के जितने भी प्रधानमंत्री थे उस लेवल पे वो वन टू वन इंटरेक्शन करते आम जनता के साथ, महिलाओं के साथ, गरीब फार्मर के साथ, दलित्स के साथ। और इसमें सिर्फ हिंदू समाज नहीं है, इसमें मुस्लिम महिलाएं भी हैं, इसमें मुस्लिम फार्मर भी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। सारे जो उनका नारा है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, वो वाकई ग्राउंड पे देखने को मिलता है। और उनकी लोकप्रियता ये भी है, का कारण ये भी है कि वो हर एज के साथ कनेक्ट करते हैं। लक्षद्वीप को पॉपुलराइज करना एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो अब आप देखिएगा कि कैसे धूम धड़ाके के साथ जल्दी ही लोग लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक जो विंडो खोली है टूरिज्म की वहां, तो एकदम से हमने देखा जिस भी जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉकस्टार इफेक्ट होता है कि वो डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है और लोग बहुत ही उत्साहित हो के एंथुसियाज्म से वहां जाते हैं। यही प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो हर एज डेमोग्राफिक के साथ, वो हर कम्युनिटी के साथ, वो गरीब लोगों के साथ और हर समुदाय के साथ जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि आखिर में जब मैंने अक्सर मैं लोगों को पूछती हूँ जो उनसे काफी प्रेरित है, तो वो उनका मानना यही है कि प्रधानमंत्री एक चाय वाला होने के बावजूद प्रधानमंत्री बने और वो हमारी भाषा बोलते हैं, वो हम जैसे हैं, ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मैजिक फॉर्मूला उनकी लीडरशिप का है कि लोगों को लगता है कि वो उन जैसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे यहाँ भी बहुत बार एग्जांपल दी जाती है मोदी जी की और कहा जाता है कि देखें वो किस तरह से आगे बढ़े और एक चाय वाला, जैसे आपने कहा कि उस लाइफ से लेकर और आज तक जो प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचने का जो सफर है वो शायद ही हमारे किसी लीडर में हमने देखा हो, जो कि एक बहुत यकीनन सीखने वाली बात है और लोगों को यकीनन। और इवन जो प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं, इमरान खान ने भी कहा कि कुछ भी कहिए लेकिन करप्ट नहीं है, कोई तरह की करप्शन के